मुंबई के पास घोड़बंदर रोड स्थित नंदनवन परिसर में तेरा पंथ महिला मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी कि 7 अक्टूबर को राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता श्रीमती रेखा शर्मा को आचार्य श्री तुलसी कर्तव्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्त्र आचार्य श्री महाश्रमण के संदिग्ध में हर वर्ष प्रदान किए जाने वाला आचार्य तुलसी कर्तव्य पुरस्कार इस वर्ष श्रीमती रेखा शर्मा को प्रदान किया जा रहा है, जिससे अखिल भारतीय महिला मंडल गर्वित है। रेखा शर्मा को कोविड काल के दौरान उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है। यह जानकारी नंदनवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में तेरा पंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीलम सेठिया, महामंत्री मधु देरासिया सहित तमाम पदाधिकारियों ने दी। तेरा पंथ महिला मंडल का प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह उद्देश्य है कि अभी वर्तमान में नंदनवन में परम श्रद्धे आचार्य श्री महाश्रमण जी विराज रहे हैं। उनकी पावन सन्निधि में अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल का 48वां राष्ट्रीय महिला अधिवेशन समायोजित होने जा रहा है 7, 8 और 9 अक्टूबर को। इसमें देश भर से लगभग 1000 महिलाओं की उपस्थिति होगी। इस अधिवेशन के दौरान एक पुरस्कार दिया जाता है जो बहुत ही गरिमामय पुरस्कार है, आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार। इस पुरस्कार को ग्रहण करने दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष माननीय रेखा जी शर्मा पधारने वाली हैं। तो अधिवेशन और आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार, ये हम जन जन तक इस बात को पहुंचाने हेतु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार दिनांक 7 अक्टूबर को नंदनवन के परिसर में परम श्रद्धे आचार्य प्रवर की पावन सन्निधि में आयोजित किया जाएगा। आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार है वो हमारे गुरु जिन्होंने अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की नींव डाली थी, वो आचार्य तुलसी उनकी स्मृति में और उनके नाम से उन महिलाओं को दिया जाता है जो अध्यात्म, समाज, प्रशासनिक, शैक्षणिक क्षेत्र में जीवनदानी कार्यों से स्वयं की एक नई पहचान बनाते हैं। और इसी श्रृंखला में 2003 से हर 2 साल के बाद में एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली सेवाभावी महिला को ये पुरस्कार दिया जाता है। इससे पूर्व जो रेखा शर्मा जी को इस बार नवाजा जा रहा है, इससे पूर्व इस पुरस्कार से डॉक्टर परपूर्णिमा अडवाणी, श्री किरण बेदी, श्रीमती सावित्री जी जिंदल, श्रीमती नीलिमा केतान, श्रीमती अनुराधा कोराला, श्रीमती मृदुला सिन्हा, श्रीमती सुमित्रा महाजन को दिया जा चुका है। इस वर्ष इनकी सेवाओं को देखते हुए रेखा जी शर्मा से जो कोई भी आदमी अपरिचित नहीं है, क्योंकि वो भारत सरकार की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और उनको 3 साल की नहीं बल्कि दूसरे कार्यकाल 3 साल के लिए उन्हें पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। अतः उनकी सेवाओं को देखते हुए अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल ने आचार्य प्रवर की शुभ दृष्टि से इस बार ये पुरस्कार देने की घोषणा की। वर्तमान में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो अभी कोविड का समय था, उसमें जो महिलाओं पर घरेलू हिंसाएं हो रही थी, महिलाएं जब घर में कैद थी, उस समय उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं निकाली कि इस कोविड के समय में महिलाएं किस प्रकार सुरक्षित रह सके। वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत जो घुट रही थी घर में, हिंसा की शिकार हो रही थी, उन्हें काफ़ी सारे उन्होंने ऐसी योजनाएं निकाली, ऐसे आयाम निकाले जिससे वो इन घरेलू हिंसा से बच सकें। उनके जीवन के ऊपर सबसे
विश्वास है कि अभी तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य है। आचार्य तुलसी तेरापंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य थे। उन्होंने केवल संप्रदाय वाले काम नहीं किए, उन्होंने जन साधारण के लिए, समाज और देश के लिए भी काम किया। जैसा कि ये महिला सशक्तिकरण वाला जो बात है, वो बहुत पहले जब महिलाएं घूंघट और गहनों में रहती थी, उन महिलाओं को विकास के मार्ग पर आज यहाँ तक पहुँचाने में आचार्य तुलसी का बहुत बड़ा हाथ है। नया मोड़ अभियान शुरू किया। इसके अलावा आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन भी समाज में दिया। वह अनुव्रत आंदोलन केवल जैन या तेरापंथ के लिए नहीं था, अपितु जन जन के लिए था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब आचार्य श्री तुलसी को लगा कि देश आज़ाद तो हो गया, गुलामी की बेड़ियों से तो टूट गया, लेकिन नैतिकता की जो बेड़ी है वो अगर रहेगी, अनैतिकता की बेड़ी रहेगी, गुलामी में रहेगा इंसान तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने जन जन के लिए अनुव्रत आंदोलन दिया, जिसमें हर संप्रदाय का, हर धर्म का व्यक्ति उन्हें अपना सकता है। छोटे छोटे संकल्प है जो नैतिकता को उजागर करते हैं। तो ऐसे समाज सुधार के काम आचार्य श्री तुलसी ने किए। वो झोपड़ी से लेके राजनेता तक, जवाहरलाल नेहरू, अपना राजेंद्र प्रसाद, उन सब के पास, जो बड़े बड़े नेता थे उनके पास ये अनुव्रत आंदोलन को लेके गए। और नारी उत्थान का काम, ये दो काम तो उन्होंने जन साधारण के लिए या समाज के लिए किया। तो ये एक ऐसे गुरु थे, वो केवल संप्रदाय से जुड़कर नहीं रहे, बल्कि मानव को बनाने के उसमें आगे बढ़े और राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। क्या मैसेज छोड़ रही हैं? हमारी संस्था का एक मैसेज है, हमारा प्रयास महिला विकास, ये हमारी टैगलाइन है। तो हमारी संस्था बहुत से ऐसे कार्यों में लगी हुई है जो महिलाओं का भी नहीं कह सकते, हर वर्ग के विकास में लगी हुई है। अपर क्लास के लिए भी हम काम करते हैं, मिडिल क्लास के लिए भी काम करते हैं और लोअर क्लास के लिए भी काम करते हैं। जिन्हें जो जो सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें वो सुविधाएं हम उपलब्ध करवाते हैं। हमारे आचार्य महाश्रमण फिजियोथेरेपी सेंटर, देश भर में लगभग 80 ऐसे फिजियोथेरेपी सेंटर्स हम चलाते हैं, जहां पर कम शुल्क में या बिना शुल्क से उनके फिजियोथेरेपी का इलाज किया जाता है। हैंडीकैप्ड के लिए हम देश भर में जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए वैसे ब्रेल मटेरियल सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाते हैं वैसी स्कूल्स में, जिससे हजारों हजारों बच्चे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो पढ़ने के योग्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी सोशल सर्विसेज होती है। इस वर्ष हमने एड टू असिस्टिंग हैंड्स, हमारे जो होम हेल्पर्स है, जिनकी वजह से हमारा जीवन बहुत आसान बन जाता है, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए भी हमारी संस्था ने बहुत प्रयास किया है। उनके इंश्योरेंस करवाए, उनके हेल्थ के लिए, उनके बच्चों के लिए, वो किस प्रकार गिरवी रुपए ले लेते हैं और उसके बाद चुका नहीं पाते, तो उस पर भी गहन प्रशिक्षण उन्हें दिया गया। किस तरह का टारगेट किया जा रहा है? हम उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाते हैं और समाज की गतिविधियों से उनको जूझने के लिए हम बहुत सारे वर्कशॉप करवाते हैं, जिससे वो इमोशनली एंड फिजिकली फिट हो सके। और बहुत सारी ऐसे जैसे योगा, मेडिटेशन का प्रयोग करवा के उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे प्रशिक्षण की बहुत सारे वर्कशॉप चलते हैं, जिससे हमारी महिलाओं के अंदर में जो भय की भावना होती है, जिसकी वजह से वो ग्रसित हो रही हैं, समस्या वो नहीं है कि उन्हें अत्याचारित किया जा रहा है, समस्या है कि वो भयभीत हो रही है कि जैसे वो बाहर भी सुरक्षित नहीं है, घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो हमारी महिला मंडल की तरफ से ऐसे मंच प्रदान किए जाते हैं जिससे महिलाएं कॉन्फिडेंट बने, अभय बने, पावरफुल बने और शिक्षित बने। अखिल
भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की लगभग 500 शाखाएं हैं भारत और नेपाल में। अधिवेशन एक महासेतु होता है जहां केंद्रीय संस्था अपनी 500 शाखाओं के साथ मुलाकात करती है। वर्ष भर उन्हें क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, अपनी गतिविधियों को कैसे क्रियान्वित करना है, उसका गहन प्रशिक्षण दिया। अप्रोच के माध्यम हमारे, अभी हम दिल्ली गए थे तो हमने काफ़ी मंत्रिमंडल से मुलाकात की, हमारी संस्था के बारे में बताया। और मैं आप सब पत्रकारों को, सम्माननीय पत्रकारों को बताना चाहूँगी कि हमारा जो संगठन है विलक्षण संगठन है। यह साड़ी आप जो देख रहे हैं, गत 50 सालों से एक संस्था एक ही साड़ी पहनती है। महीने में एक नारी लोक करके मुख पत्रिका निकलती है और उसमें जो कार्य दे दिया जाता है उसे 400 शाखा मंडल अक्षरशः करते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास। हमने ट्विटर के माध्यम से हमने काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स को ट्वीट किया या हमने काफ़ी लेटर्स जहाँ जहाँ डालने थे, जितने हमारे पास कॉन्टैक्ट्स थे हमने यूज़ किए हैं, बट अब तक ऐसे कोई आत्म स्वावलंबन के लिए हमारी संस्था कला अभ्युदय योजना चला रही है। कला अभ्युदय योजना हमारी कला अभ्युदय योजना हमने देश भर में फैला रखी है। हर संस्था हमारी 500 शाखा मंडल में से 400 शाखा मंडलों में उनके क्षेत्र में, बैंगलोर ने प्रयास किया कि कौन सी महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मशीन की आवश्यकता है। अगर कोई होम बेकिंग कर रहा है तो उसे अवन दिला दिया गया, अगर किसी को आटा चक्की दिला दी गई, किसी को मसाला पीसने की मशीन दिला दी गई, किसी को दोना बनाने की मशीन दिला दी गई। तो जहाँ जहाँ जो अपेक्षाएँ थी, गत 4-6 सालों में लगभग 400 से 500 महिलाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये मशीनें उपलब्ध करवाई है। अभी तक तो नहीं। और शायद आपका क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर इस तो हम आपके जरिए गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं ये बात को। मैम इस पर हम ये कहना चाहेंगे जो कि यदि गवर्नमेंट ऐसे कोई पॉलिसीज या ऐसी कोई योजनाएं निकाले और हम जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के थ्रू यदि जाए हमारे मेंबर्स तक, तो उसका फैलाव भी इजी होगा और जो कंज्यूमर तक फाइनली उनकी पॉलिसी पहुंचती है, आई थिंक वो भी बहुत मददगार रहेगी बहनों तक पहुँचाने के लिए। तो हम चाहेंगे कि इस प्रेस मीट के माध्यम से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट डायरेक्टली दे और हम हमारे मेंबर्स को। उन्होंने G20 का जो हमारा एक समिट किया था जिसके होस्ट हम इंडिया बने थे और हम सबको प्राउड था उस पर, उस G20 में हमें C20 जो कम्युनिटी 20 में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल को स्थान मिला था। तो ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए एक समझ लीजिए कि हमारा सम्मान। और हमें इस समिट्स में इनवाइट भी किया गया था हमारी संस्था के प्रतिनिधित्व करने के लिए। श्रीमती सुमन जी नाहटा गई भी थी, वो दो समिट्स में गई थी इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए। और उस प्रोजेक्ट के लिए हमने बहुत सारे अपने बनाए भी थे, हमने रोड्स पे पेंटिंग बनाई थी, सेव वाटर सेव गर्ल, उस प्रोजेक्ट पे हमने बहुत काम किया था। G20 से हमने जो पूरे देश की दीवालों को सजाया था उर्वी प्रोजेक्ट पर, उसका नाम हमने दिया था उर्वी, और उसमें हमने पर्यावरण बचाने के लिए हमने बहुत सारी अलग अलग ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में हमारी बहुत लगभग 100 के ऊपर हमारी ऑल ओवर इंडिया गर्ल्स के थ्रू पेंटिंग।